जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कन्हैया जी एस वर्ल्ड में। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी खबरें हैं, चलिए बात करते हैं एक एक के बारे में डिटेल से। जो भी साथी पहली बार आए हैं YouTube चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अपडेट के लिए, और घंटे के निशान को भी दबा लेना है। बाकी आपको टेलीग्राम पर भी बहुत सारी खबरें और PDF स्टडी मटेरियल वगैरह बहुत चीज़ मिलते हैं, तो आप टेलीग्राम पर दोनों में से कुछ भी सर्च करके जुड़ सकते हैं। देखिए, पहली खबर है जो कि कल के ही डेट में आई थी, इसके बारे में हम बता नहीं पाए थे। UP SSC लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखा परीक्षक से संबंधित है, उन लोगों का यहां पर शॉर्टलिस्टिंग कर दिया गया है। यहां पर देखेंगे तो आयोग का विज्ञापन संख्या 5/2023 था और पद का नाम था लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखा परीक्षक। टोटल वैकेंसी थी 529 लेखा परीक्षक की और एक सहायक लेखा परीक्षक की, टोटल हो गई 530। और 530 के सापेक्ष जितने लोगों ने आवेदन किया था वहां पर सभी को 0+ जिसका भी नंबर था सभी को यहां पर इसमें शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। यहां पर देखेंगे शून्य स्कोर में शून्य या उससे कम नकारात्मक अंक वाले को अभ्यर्थी को छोड़ते हुए, यानी कि जिन्होंने शून्य प्राप्त किया है या फिर नकारात्मक निगेटिव में गए हैं उनको छोड़ते हुए, समस्त 6593 अभ्यर्थियों को प्रश्नगत विज्ञापन की मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो यहाँ पर जो भी आवेदन यहाँ पर किए थे सभी को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। इसका एग्ज़ाम भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। मान के चलिए आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर दूसरी खबर बात करें तो देखिए, यहाँ पर UPSC के अंतर्गत 81 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है और यह होम्योपैथिक विभाग के अंतर्गत है, जिनमें 54 पद जो हैं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के और प्रोफेसर के 27 पदों पर ऑनलाइन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो देखिए, वीडियो का परीक्षा हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन सालवर यहाँ पर आज गिरफ्तार, यानी कि कल की डेट में उससे संबंधित न्यूज आई है। प्रयागराज के सालवर से वीडियो भर्ती परीक्षा दिलाने वाला अभ्यर्थी गिरफ्तार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बात हुई, पूरी खबर जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि जब 2018 वाली भर्ती थी यह, यानी कि पुनर्परीक्षा के पहले, तो 2019 में पेपर हुआ था, तो उसमें जिस अभ्यर्थी ने पेपर दिया था, इस बार जब 2023 में पेपर हुई उसी का पुनर्परीक्षा हुआ, तो उस अभ्यर्थी की जगह दूसरा अभ्यर्थी यहाँ पर प्रयागराज का नैनी का निवासी था, जिन्होंने उसकी जगह पर पेपर दिया था। देखेंगे यहाँ पर मंगलवार को पुलिस ने आरोपी इंद्रजीत को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि 2018 में उसने ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जो कि 2019 में आयोजित हुई थी। इसके बाद वह शामिल हुआ था। यह भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद जब भर्ती परीक्षा हुई तो उसने प्रयागराज के नैनी निवासी सालवर से डील की और सालवर ने 4,00,000 रुपये देकर उसकी जगह परीक्षा दे दी। यहाँ पर किससे मदद मिला है, तो जो त्रिनेत्र ऐप विकसित किया गया है उससे यहाँ पर सालवर को पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर त्रिनेत्र ऐप में जो भी अभ्यर्थी पेपर दे रहे हैं उनका सारा का सारा डाटा यहाँ पर रह रहा है, और CCTV फुटेज वगैरह की मदद ले करके जितने भी यहाँ पर सालवर हैं उनको धीरे धीरे गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पहल है यहाँ पर UP SSC और भी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने भी सालवर हैं धीरे धीरे गिरफ्तार हो जा रहे हैं। यहाँ पर 50,000 एडवांस दिया था, बाकी 4,00,000 में यहाँ पर डील हुई थी। वैसे ही खबर यहाँ पर निकल आ रही है, मूल दस्तावेजों से बनवाए थे सालवर के फर्जी आधार कार्ड। यह किस परीक्षा की बात हो रही है, तो यहाँ पर मुख्य सेविका भर्ती की बात हो रही है, जो कि 24 तारीख को इसका पेपर संपन्न हुआ था। इसमें भी वही खबर है, सालवर गए कहाँ के हैं, तो सालवर हैं बिहार के। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कहाँ गया बिहार। देखेंगे यहाँ पर तो कह रहा है कि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में बिहार के सालवर गैंग ने अभ्यर्थियों के दस्तावेज जमा कराए, फिर इनका ब्यौरा लेकर सालवर महिलाओं को फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया। ये 20 सालवर के पास से बरामद हुए हैं। मूल अभ्यर्थियों का नाम पता सेम रह रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फ़ोटो है वह जो सालवर बैठने वाला है उसका फ़ोटो यहाँ पर लगा करके परीक्षा दिया गया था। शुरुआत में भी खबर आई थी कि यहाँ पर 8 महिलाओं को, जो कि हजरतगंज और मड़ियाँव के दो बिचौलिया आकाश और धर्मेंद्र, पकड़े गए थे, और यहाँ पर मूल अभ्यर्थियों की तलाश में पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं, पुलिस की टीमें बना दी गई हैं और 7 थानों में दर्ज मुकदमों की विवेचना करेंगी 8 टीमें। कैसे यहाँ पर हुआ था
तो फर्जी आधार कार्ड पर फ़ोटो साल्वर की थी और जो और अन्य पता था वह अभ्यर्थी का ही था। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर भी गिरफ्तारी जारी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो देखिए बहुत सारे दोस्त वन दरोगा के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इनका जो जितने दिन से प्रतीक्षा करने है समाप्त होने वाली है, क्योंकि वन दरोगा का जो रिजल्ट है जारी होने की आज पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो आज पूरी उम्मीद है कि शाम तक आपका रिजल्ट 100% जारी कर दिया जाए फिजिकल के लिए। ठीक है, तो आज संभावना ज़्यादा है, बाकी अगर देर हुआ तो कल भी हो सकता है, लेकिन आज आप पूरे के पूरे चांसेस है रिजल्ट जारी हो जाए। बाकी इसका फिजिकल कैसे होता है, कहाँ होता है, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो आपको बता देंगे रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल के बारे में सब चीज़ पता है कि कहाँ कहाँ कैसे होता है। ठीक है, तो फिजिकल जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो 3.75 लाख युवाओं को मुफ्त मिलेंगे स्मार्टफोन। तो यहाँ पर योगी सरकार पिछले साल की तर्ज पर यहाँ पर भी योजना के तहत 25 लाख युवाओं को बटेंगे मोबाइल और पहले चरण में 15% विवरण होगा। तो कुल मिला जुला करके यहाँ यह बटने वाला है, बस यही खबर है। बाकी यह वाली तो न्यूज़ आप सब ने सुनी ली होगी कि पुलिस विभाग में योगी ने आदेश दे दिया है कि आगामी दिसंबर तक जो भी परीक्षाएं पेंडिंग में हैं उनको करा लिया जाए, और जो भी नई वैकेंसी आने वाली चाहे 55,000 के करीब पुलिस का हो उसके लिए सेंटर को भी बढ़ाने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। बाकी अन्य जैसे भी कोई न्यूज़ आती है हम आपको बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।